सो हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम रेड ड्रैगन के K621 हॉरस कीबोर्ड पे मैक्रोस को असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आपने कोई भी बटन गलती से प्रेस कर दिया हो तो आपको FN बटन, ये FN बटन है, ये FN बटन और एस्केप बटन को आपको एक साथ होल्ड करके रखना है, जिससे आप देख पा रहे हैं कि कीबोर्ड अभी रीसेट हो चुका है। सेकेंड स्टेप आपका ये होगा कि मैक्रो को असाइन करने के लिए आपको फिर से FN बटन को और F1 बटन को एक बार प्रेस करना है। मैंने एक बार प्रेस किया और यहाँ पे F1 बटन की जो LED है उसमें थोड़ा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, फिर आपको MR बटन को एक बार प्रेस करना है। MR बटन को एक बार प्रेस करने से प्रोसेस चालू हो चुका है और G1 बटन को प्रेस करना है। G1 बटन है जो ब्लिंक करने लगी, सपोज मुझे G1 पे असाइन करना है इसलिए मैंने G1 प्रेस किया है। अब G1 ब्लिंक करने लगा है, इसका मतलब ये रिकॉर्डिंग प्रोसीजर चालू हो चुका है। तो मुझे इस पर असाइन करना है कि कौन सा मैक्रो डालू मैं, तो मैं QWERTY ये मैंने टाइप किया। G1 को फिर से एक बार प्रेस कर दूंगा और फिर मैं MR को एक बार सेव करने के लिए प्रेस कर दूंगा। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं G1 को प्रेस करता हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं QWERTY लिख करके आ रहा है। मैं G1 को प्रेस करते जा रहा हूँ और ये QWERTY लिख करके आ रहा है। इसी तरीके से आप G2, G3, G4 पे असाइन कर सकते हैं। जब मुझे G2 पे असाइन करना है तो मैं MR को एक बार प्रेस करूँगा, मैं G2 को एक बार प्रेस करूँगा। अब G2 ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुका है, इस पर मैं डाल दूंगा WASD। G2 को मैंने एक बार प्रेस किया, MR को सेव कर दिया MR प्रेस करके। अब जैसे ही मैं G2 प्रेस कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं WASD लिख करके आ रहा है। अगर आपको मैक्रोस को हटाना है तो सिंपली आपको MR को एक बार प्रेस करना है, G1 को एक बार प्रेस कर दीजिए, G2 को एक बार प्रेस कर दीजिए, ये ब्लिंक होना चाहिए, फिर से एक बार प्रेस कर दीजिए, लाइट्स ऑफ हो जाना चाहिए, फिर MR को प्रेस कर दीजिए। तो अब मैं जितनी बार G1 प्रेस करूँ कुछ नहीं हो रहा, मैं G2 प्रेस करूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा। दिस इज द वे ऑफ माइक्रो साइकिल।